हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज प्रश्नों की संख्या लगभग आपकी 70 रखी गई है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होने वाला है और यहां से आपके हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो टाइम से आया करिए भाई, ठीक है, टाइम से आया करिए। 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। हम आपको डेली कहते हैं कि 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, टाइम से आया करिए ताकि पूरा टेस्ट आप लगा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। यहाँ पर आप शब्द जो आपको है ये कैसा है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है, क्या है ये? वेरी गुड, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी नंबर, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एक अव्यय हैं और इनसे जो शब्द बनाए जाते हैं वो आपके कौन से? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इनसे सभी से क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग यहाँ पर टाइम से आया करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। टाइम से आया करिए 8:30 बजे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर संज्ञा का भेद नहीं होता है, कौन सा यहाँ पर? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जवाब हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक ये आप कह सकते हैं संज्ञा का भेद नहीं होता है, ये सर्वनाम का भेद होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम की पहचान करना है और सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आप शब्द क्या है? ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम के भेद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुषवाचक के अंतर्गत आपके यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप ये होते हैं, अन्य में यह, ये, वह, ये लोग, वो लोग, ये वगैरह होते हैं। निश्चय अगर वाचक कोई आपका यहाँ पर सर्वनाम है तो निश्चय में होता है यह और ये, अनिश्चय वाचक में कोई, कुछ, संबंध में जो, सो और प्रश्नवाचक में कौन, क्या और निजवाचक में क्या होता है आपका? आपका आप शब्द होता है जो निज के लिए अर्थात स्वतः के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है तो कितने होते हैं? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं आपका। अभी हमने बताया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपके देख सकते हैं उत्तम पुरुष कि मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम, तुमने, तुमको, आप। ठीक है, और अन्य पुरुष में वह, हुए, ये सब आते हैं आपके, ये आपके कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, दिए गए वाक्य का सही विकल्प क्या होगा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम, मतलब कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा आपसे यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए,
यह मेरी पतंग है। तो यहाँ पर मेरी शब्द आपको दिया गया है, मेरी शब्द जो इंगित कर रहा है वो किस सर्वनाम को इंगित कर रहा है। बिल्कुल सही है, जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मेरी मतलब कि ये निश्चय है कि ये मेरी ही पतंग है, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यह मेरी पतंग है। मेरी शब्द इंगित कर रहा है निश्चित को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फिसलन है, फिसलन बताइए कि फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, क्या बोलेंगे फिसलन को। चलिए, वेरी गुड, अच्छे, बिल्कुल तैयारी अच्छी है और जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी नंबर, भाववाचक संज्ञा है। याद रखिए क्या है फिसलन, ये भाववाचक संज्ञा है। देखो, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान जब होता है वैसे शब्द आपके वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है साथियों, गलत मत करिए। और यहां पर अभी आपको हमने बताया है कौन सा, सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है जवाब। ऑप्शन राइट आपका देखिए, आपका सी हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष नहीं होता है, अति उत्तम पुरुष नहीं होता है आपका, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, संज्ञा के लिए। याद रखिए वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए साथियों, जवाब देना है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जवाब, यहां पर देख सकते हैं कोई शब्द लगा हुआ है, कोई पर आपको फोकस करना है और कोई जो शब्द है यह आपका अनिश्चयवाचक है, अनिश्चय है, पता नहीं कौन बुला रहा है आपको, इस कारण से यह आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पर कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, गलत मत करिएगा। चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तैयारी है यहां पर, थोड़ा और तैयारी करिए सभी लोग। तो यहां पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे आ चुका है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरिए। निम्न से भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सी, यहां पर भाववाचक की पहचान करना है और यहां पर करुणा है, सुंदरता है, अमीरी है और पढ़ाई है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि किसका सही होता है। काफी लोग तो तुक्का ही लगा रहे हैं। चलिए इसका जवाब हो जाएगा, यहां पर देखो जो चारों विकल्प है, यहां पर देखिए करुणा है, देखो करुण का करुणा, सुंदरता, अमीरी और पढ़ाई, ये चारों ही विकल्प इस प्रश्न के सही हैं। ये चारों ही विकल्प भाववाचक संज्ञा है, समझ में आ गया ना। तो इसका जवाब आपको यहां पर ए बी सी डी अर्थात सभी हो जाएंगे, ठीक है, चारों ही आपके हो जाएंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कह रहा आपसे कोई आपसे मिलने आया है। चलिए साथियों, कोई में अंडरलाइन लगा है, फोकस आपको करना है किस पर, कोई में करना है। और कोई क्या होता है, कोई क्या होता है,
कोई शब्द आपका होता है अनिश्चयवाचक, वेरी गुड, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा आपसे कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा के किस रूप में वर्णित हो रहा है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहां पर कह सकते हैं बोध किसका करा रहा है, जाति, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा यहां पर, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक से भाववाचक, गांधी जी को राष्ट्रपिता, ठीक है, ये भाव को प्रदर्शित करेगा जाके, तो यहां पर आपका सी हो जाएगा कि गांधी जी को या गांधी को, ठीक है, यहां पर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया इस वाक्य में। संज्ञा जो आपकी है व्यक्तिवाचक से लेके भाववाचक की तरफ परिवर्तित हो रही है, उनके भाव को प्रकट करवा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि युवा बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित आपका पद है, यहां पर धार्मिक शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा साथियों, तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे, और जवाब यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर, विशेषण है। याद रखिएगा कि जो धार्मिक शब्द है ये आपका क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात आकार, अवस्था, रूप, गुण आदि का बोध हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, धार्मिक विशेषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, यहां पर आपको बताना है कि विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, तो जवाब यहां पर 78 का आपका हो जाएगा बहुत। बहुत शब्द क्या है आपका, ये विशेषण है, बहुत शब्द क्या है, विशेषण है। इस प्रकार से आपका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें, आटे में थोड़ा नमक डालें, ये क्या आपको बता रहा है, यहां पर ये क्या बता रहा है, यहां पर देखो थोड़ा शब्द दे रहा है और थोड़ा कह सकते हैं कि ये आपका अनिश्चित है, और यहां पर कह सकते हैं कि आटा है अर्थात नाप तौल से संबंधित है, ठीक है, तौल से अर्थात परिमाणवाचक, तो अनिश्चित परिमाणवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण है, चलिए विशेषण पहचानिए। 480 और यहां पर लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिसका जवाब यहां पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही होगा डी नंबर, जो शांत है, शांत एक विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, विशेषण को पहचानना है, अरे यहां पर देखिए ये जो आपका है शांत जो आपका है वो विशेषण है, ये तीनों आपकी जो हैं वो संज्ञाएं हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो तो यहां पर आपका जो विशेषण पहचानना था तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द जो आपका है ये विशेषण है, ठीक है, और यहां पर जो कह सकते हैं जैसे इतिहास आपने नाम सुना होगा, इतिहास, ठीक है, इतिहास आपने नाम सुना है, इतिहास जो शब्द है ये एक शब्द है और इसका विशेषण बनता है ऐतिहासिक। जैसे उपासना है, उपासना का अगर हम लोग विशेषण बनाएं तो उपासित बनता है, इसका अगर बनाएं तो उपासित बन जाएगा, ये इसका विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अगर आश्वासन की बात करें, आश्वासन एक शब्द है, इसका अगर विशेषण बनाना चाहें तो आश्वासित बनेगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, और इतने लोग जुड़े हैं आप लोग वीडियो लाइक किया करिए भाई, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो और टाइम से भी नहीं आते हो, दोनों काम नहीं करते हो, कभी कभी तो अच्छा काम कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, टाइम से आ जाया करिए, टाइम से पढ़ाई किया करिए। चलिए
विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहां पर बी नंबर, चार भेद होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? चलिए यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो पथरीला, नमकीन, बर्फीला और आपका नमक। तो पता तो चली गया है कि यहां पर आपका जो जवाब है डी नंबर नमक, ये आपका विशेषण नहीं है, यह विशेष शब्द है। ठीक है, यह विशेष है जिसका विशेषण नमकीन बनता है। ठीक है, इसका विशेषण क्या है, ये शब्द शुद्ध हो जाएगा कि ये नमकीन है। ठीक है, और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला कह रहा है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पर समझदार, और समझदार जो आपका है ये इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रहा है कि वो समझदार है, अर्थात उसके अंदर ये गुण है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में होता है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के बदले आते हैं तब वे सार्वनामिक होते हैं। परिमाण में तो आपको बताया कि वस्तु के नाप तौल की बात होता है, और संख्या में संख्यावाची होता है जब संज्ञा सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण बताइए। चलिए साथियों, चर्चा शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? और जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, सभी के जवाब सही आना चाहिए तभी आनंद आएगा। यहाँ पर क्लास में बिल्कुल बराबर हो जाइए, इतनी मेहनत करिए कि सबके जवाब एक साथ बिल्कुल आ जाएं। दिन रात मेहनत करके करिए और अपना टारगेट जो रखें वो टारगेट को पाकर ही रहिए। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण आपका हो जाएगा चर्चित। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति, यहां पर जवाब क्या बनेगा? तो चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, यहां पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संख्या। जो ये चौथा व्यक्ति है तो चौथा शब्द आपसे पूछा कि वाक्य में चौथा, तो चौथा आपका क्या है, ये आपका है संख्यावाचक विशेषण। क्या है आपका, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण भी आपके होते हैं तीन, तीसरा, दोनों, एक, दो, चार, ऐसे होते हैं और कई प्रकार भी इसके बन जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, क्या बनेगा जवाब? तो यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, देखो परिमाण तो होगा ही, इससे पता चल रहा है कि यहां पर दूध है और ये नाप तौल से संबंधित है। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, परिमाण, अर्थात जब थोड़ा है, एक निश्चित तो है नहीं है, तो आपका यहां पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा। हम यहां पर नाप तौल मतलब समझते हो कि जैसे दूध है उसको हम नापते हैं किसे, लीटर से नापते हैं ना। ठीक है, और इस प्रकार से चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, यहां पर विशेषण की बात किया है, और विशेषण यहां पर जो विशेषण आपका है तो यह है, और यह शब्द हमने बताया कि यह शब्द जो होता है ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है जब सभी के जवाब अच्छे आ रहे हैं और फटाफट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा मजा आता है क्लास में जब आप सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त होती है, और ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट में तैयारी ऐसी होनी चाहिए तभी सिलेक्शन मिलेगा। युद्ध के जंग में बिल्कुल से हर एक सब्जेक्ट में बराबर होना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पर दिया है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो सबसे है, सबसे है, ये आपका है क्या? तो सबसे आपका जो हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा, तो ये देखो विशेषण नहीं है, ये प्राविशेषण है। क्या है ये प्राविशेषण है,
यहां पर देखो कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी। यहां पर चौड़ी तो विशेषण है लेकिन सबसे चौड़ी कर दिया, अर्थात ये विशेषण की भी विशेषता बता दिया सबसे, इसलिए यह प्राविशेषण हो जाएगा। प्राविशेषण की परिभाषा भी ये होती है कि जो विशेषण की परिभाषा विशेषण की विशेषता बता दे वह प्राविशेषण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। चंद रुपए दिया है यहाँ पर साथियों, गौर करिएगा, चंद रुपए। आपसे ये नहीं कहा गया है कि 5 रुपए या 10 रुपए या 12 रुपए। चंद रुपए का मतलब कुछ रुपए होते हैं, और कुछ रुपए यहाँ पर जो हो जाएंगे वो आपके अनिश्चित होंगे, अनिश्चय संख्यावाचक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है। अभी हमने आपको बताया है, यही परिभाषा बताया है और सबका जवाब आना चाहिए। और यहाँ पर जितने भाई देखो लेट आ रहे हैं, लेट वालों को फिर देखो डंडों से मार पड़ेगी। ठीक है, टाइम से आया करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जब आपको हम डेली यहाँ पर टाइम बता दिए हैं कि डेली आपको इसी टाइम पर आना है, तो आप लोग टाइम से आया करिए। पूरी क्लास ख़त्म होती है फिर आप आते हैं, फिर आप गुस्सा होते हो कि सर लो 2 मिनट में तो आप चले गए। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है, क्या कहता है? बिल्कुल सही है, इसे प्राविशेषण कहते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पर बताई क्या जा रही, किस पर फोकस कराया जा रहा है 92 में? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ पर देखो इलाहाबादी कर दिया है, किस पर फोकस हुआ है? इलाहाबाद की बात किया है ना, ये तो नहीं कह दिया कानपुर के, हम इलाहाबाद की बात किया है। तो इलाहाबाद आपका कौन सा, तो यहाँ पर स्थान की बात हो जाता। ठीक है, और अगर आम की बात करता तो फिर मलिहाबाद बोल देते, तो मलिहाबाद पहुँच जाते, यूपी में मलिहाबाद प्रसिद्ध है ना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। साथियों यहाँ पर नहीं शब्द लग गया है जो कि क्वेश्चन को बदल दे रहा है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है 93 में। तो देखो यहाँ पर देखो परिमाण की बात किया है, और परिमाण में दिया है 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब, ये तो आपके तौल में है, लेकिन अनगिनत तारे क्या तौल सकते हैं आप? नहीं तोल सकते हैं। जब नहीं तोल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। कौन से विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण ए नंबर आपका हो जाएगा, ये नहीं है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहां पर बी नंबर, क्रिया के नापतौल का होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्रिया के नापतौल का होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंटर के बाद अभी बीएड की पेपर मतलब कि इंटर के बाद बच्चे आए हैं, तो उनको फ़ायदा ही रहेगा कि थोड़ा सा अच्छा बता देंगे तो उनको भी आ जाएगा। पुराने बच्चे तो हीरो हो ही चुके हैं, लेकिन जीरो को हीरो बनाना ये हमारा फर्ज है। जब सभी हीरो हो जाएंगे तब हम भी एक हीरो ही कहलाएंगे, वो भी आपके द्वारा। आप कहेंगे नहीं, हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी तैयार किया था और आज जो बने हैं इस चैनल की मदद से बने हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण की बात किया है साथियों, विशेषण। तो यहाँ पर देखिए उसका सालों बाद उसका प्रवासी पति, प्रवासी शब्द आ गया है यहाँ पर, प्रवासी। तो वाक्य में प्रवासी शब्द जो आपका है वो आपका विशेषण है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो लाइक करिए तो हमको भी आनंद आया करे, जितना वीडियो लाइक करोगे उतना ही आनंद हमें आएगा। चलो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग, तब तक हम पानी पी लें। चलिए यहाँ पर 496 का जवाब क्या हो जाएगा। 496 में दिया है से
संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। ठीक है, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द आ गया है, और मोह शब्द जो आपका विशेषण होगा कौन सा? तो मोह ये कह सकते हैं एक गुण के अंतर्गत आता है, जो कि आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, गुणवाचक विशेषण है। क्या है साथियों? गुणवाचक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? दादी ने ढेर सारे, यहां पर देखो ढेर सारे दिया है, मतलब कि यहां पर जरूरी नहीं है कि चार खरीदा है कि पांच खरीदा है, अर्थात यहां पर आपका ढेर सारे मतलब अनिश्चित और संख्या विशेषण। यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी नंबर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? काफी अच्छा प्रश्न है, और यहां से भी काफी प्रश्न आपके बनते हैं। यह टॉपिक इतना अच्छा है, यह टॉपिक इतना ज्यादा पूछा जाता है, और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं आपके, और काफी नॉलेज भी मिलता है इस टॉपिक से। तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सभी के जवाब यहां पर सही नहीं आए, एक दो तीन, क्या है सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहां पर तीन हो जाएगा। तीन आपकी अवस्थाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे कोमल, कोमलतर, कोमलतम, समझ में आया? तो तीन अवस्थाएं आपकी होती हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद बताइए, कितने प्रश्न करने हैं, विशेषण का भेद बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है तो देखिए आपका कौन सा नहीं है। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी। तो बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक नहीं है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कोई रस्सी गुण होता है इसलिए वो लंबी होती है। ठीक है, लंबी है तो लंबी है, ठीक है, गुण नहीं है उसके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? चलिए साथियों, यह शब्द को पहचानना है, यह विशेषण का कौन सा भेद है, 502 का जवाब। और यह यहां पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा संकेत तो होगा नहीं, ना निश्चित संख्या में होगा ना गुण में, तो होगा आपका सार्वनामिक, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह लड़का हमारे गांव का है ना, और इसी ग्रुप में देखो बोलते हैं ये दोस्त हमारे गांव के, हमारे पास के रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम बातें करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? चलिए, अभी हमने बताया था कि विशेषण की तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर न्यूनतम ये आपका जो हो जाएगा ये आपकी उत्तमावस्था है। क्या है आपकी उत्तमावस्था है? अभी उत्तमावस्था जो आपकी, इसको समझ लीजिए आप। पहले देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे न्यून है, न्यून का न्यूनतर बनता है, फिर न्यूनतम बनता है, लघु का लघुतर, फिर लघुतम, निम्न का निम्नतर, फिर आपका निम्नतम। ये आपकी होती है विशेषण की तुलना के आधार पर अवस्थाएं, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वो कुछ भी कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन जब वो योग्य होता है। आप लोगों की लाइफ में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, सिर्फ जॉब। जिस दिन आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी उस दिन आप योग्य हो जाएंगे। पैसे कमाने को तो दुनिया कमाती है, प्राइवेट की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो 10,000 कमाए, चाहे पर डे का 2,000 कमाए, चाहे 60,000 कमाए, उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तभी होगी जब उसे सरकारी जॉब मिल जाएगी। आप कहीं से भी जा रहे होंगे, फलाने ये जॉब में करते हैं, शादी के संबंध वाले भी होते हैं, प्राइवेट को नहीं ढूंढते हैं, सरकारी को ढूंढते हैं। ठीक है, लड़का गोरा हो या काला कोई मतलब नहीं है,
अगर सरकारी जॉब है काला भी है तो शादी हो जाएगी, इसलिए सरकारी जॉब जरूरी है, चाहे ये समझ लो पैसे के लिए, ये समझ लो लाइफ के लिए, ये समझ लो अच्छी बीवी पाने के लिए, ठीक है ना। अच्छे गुण तभी होंगे जब आप लोग सरकारी जॉब पाएंगे। तो आज से टारगेट रख लो कि हमें सरकारी जॉब ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पर देखो योग्य शब्द क्या है, 505 का जवाब ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गुणवाचक, उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर गुण है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, मोहिनी तेज दौड़ती है और मोहिनी तेज दौड़ती है इस वाक्य में तेज शब्द क्या है, तेज शब्द क्या है आपका। तो ये तो विशेषण है, लेकिन मोहिनी तेज दौड़ती है ये ऐसा नहीं है कि देखो स्थान की बात तो नहीं करेंगे, ना परिमाण की बात करें, ना काल की बात करेंगे, रीतिवाचक, ये रीति है कि वो तेज दौड़ती है, इस कारण से यहाँ पर आपका क्या बनेगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये टेस्ट पेपर में भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विशेषण आपका सही हो जाएगा, देखो क्रमवाच दिया है, समुदायवाच दिया है, आवृत्तिवाच और गणना, यहाँ पर एक लड़का दिया है ना, एक दो तीन चार पाँच, ये जो शब्द आते हैं ये गणनावाचक में आते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो चौगुना शब्द आपका आ गया है, चौगुना, और चौगुना जो आपका होता है ये आपका होता है आवृत्तिवाचक में, याद रखिएगा कि आवृत्तिवाचक में क्या होता है, दुगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना, ये आते हैं आपके आवृत्तिवाचक में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, चीनी मद्रासी और बिहारी, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्थान की बात कर रहा है ना, स्थान की बात कह रहा है, चीनी मद्रासी बिहारी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, विशेष कहलाता है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न और लगाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता इसका विशेषण पूछा है, और यहाँ पर विशेषण बनेगा क्या, पवित्र बनेगा, ठीक है, पवित्र बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ठीक है।